मध्य प्रदेश में इन दिनों सरपंच संघ काफी नाराज दिख रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। ज्ञापन में सरपंच संघ ने अपने विभिन्न अधिकार को लेकर हल्ला बोला है। केवलारी सरपंच संघ ने एक बैठक आयोजित कर अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कहा गया कि मनरेगा में मॉनिटरिंग हाजिरी बंद किए जावे, मनरेगा में मूल्यांकन के आधार पर पूरा भुगतान किया जावे, ग्राम सभा में प्रस्तावित को प्राथमिकता दी जावे, मनरेगा में साप्ताहिक भुगतान किया जावे, मजदूरों को दैनिक मजदूरी 400 की जावे। इन मांगों को यदि सरकार नहीं मानती है तो विकास यात्रा का विरोध किया जाएगा। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। करेगा वो सरपंच संघ की बात करेगा, भाई देश में राज करेगा। विकास यात्रा बंद करो, बंद करो, बंद करो। विकास यात्रा बंद करो, बंद करो, बंद करो। विकास यात्रा बंद करो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।